नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 नवंबर 2019 और स्वागत है आपका प्लीम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारी आज की सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा एप्लीकेशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस यानी NIMHANS, इस इंस्टीट्यूट ने एक एप्लीकेशन डेवलप करवाई है जिसका नाम है रहा एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की सहायता से जनता के द्वारा अपने नज़दीक के मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। जैसे देखो, एग्जांपल के तौर पर ओल्ड राजेंद्र नगर में कोई यूपीएससी एस्पायरेंट डिप्रेशन से ग्रस्त है तो एप्लीकेशन की सहायता से उस एस्पायरेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकेगी कि नज़दीक मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल कौन है या फिर नज़दीक मेंटल हेल्थ केयर सेंटर कहाँ पर है। और देखो, जो मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं यानी जो डॉक्टर्स हैं, वो अपने आप को रजिस्टर भी करवा सकते हैं इस एप्लीकेशन पे ताकि उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो इस एप्लीकेशन पे। तो ये एक प्रकार से ऑनलाइन डायरेक्टरी है, मतलब आप सर्च कर सकते हो मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और सेंटर्स के बारे में। यहाँ पर देखो, साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन उपलब्ध होगी। हम बात करें इस इंस्टीट्यूट की जिसके द्वारा इस एप्लीकेशन को डेवलप करवाया गया है, ये देखो प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस एजुकेशन से संबंधित ये एपेक्स सेंटर है। ऑटोनोमसली ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया राही एप्लीकेशन। वैसे देखो, आपके मन में एक डाउट जरूर आता होगा कि इस प्रकार की जो एप्लीकेशंस हैं वो डेवलप होती रहती हैं, क्या उन सब के बारे में हमें याद रखने की आवश्यकता है? यूपीएससी पूछ सकती है या फिर नहीं पूछ सकती है? देखो, यूपीएससी क्या पूछेगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन पुराने ट्रेंड को देखते हुए हम अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। पिछले 4 से 5 सालों में ज़्यादा डिजिटलाइजेशन आया है, ये एप्लीकेशंस डेवलप होने लगी हैं। तो पिछले 4 से 5 सालों में जब से डिजिटलाइजेशन आया है, यूपीएससी ने एक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा है, भीम एप्लीकेशन। और ये भी शायद इसलिए पूछा था क्योंकि सरकार ने इस एप्लीकेशन को डेवलप करवाया था ताकि डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया जा सके और कैश में जो लेन देन होता है वो कम हो। काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन भी इस एप्लीकेशन का किया गया था सरकार के द्वारा। बाकी देखो, ये छोटी छोटी बहुत सारी एप्लीकेशंस लॉन्च होती हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि किस से संबंधित ये एप्लीकेशन है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बोलीविया से संबंधित है। कंटेस्ट की बात बाद में करेंगे, लेकिन मैप देख लीजिए, मैप पर क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। साउथ अमेरिका में है बोलीविया, लैंड लॉक कंट्री है, समुद्र से बॉर्डर नहीं टच होता है बोलीविया का। बोलीविया के ऊपर यानी नॉर्थ में पेरू है, यहाँ पर ब्राज़ील, ये प्रागुए हैं, अर्जेंटीना और यहाँ पर है चिली। अब बात करते हैं क्यों न्यूज़ में है बोलीविया। बोलीविया के राष्ट्रपति थे इवो मोरालिस, ये 14 साल से रूल कर रहे थे बोलीविया पर। पिछले महीने ही इनका री इलेक्शन हुआ था, यानी ये फिर से राष्ट्रपति बन गए थे बोलीविया की नेक्स्ट टर्म के लिए। लेकिन देखो, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया बोलीविया में, कई सारी अपोजिशन पार्टीज और सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स ने आरोप लगाया कि धांधलेबाजी हुई है इलेक्शन में और इनका फिर से राष्ट्रपति बनना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और काफ़ी समय के प्रोटेस्ट के बाद आर्मी और पुलिस जो थी बोलीविया की, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया। और आर्मी और पुलिस के साथ छोड़ने के बाद तो आपको पता है कुछ बचता ही नहीं है, और वही हुआ, इन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। तो कंटेस्ट से ज़्यादा मैपिंग का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था बोलीविया। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछ लिए जाते हैं कि आप बताइए, इस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका में कौन कौन से जो देश हैं वो लैंड लॉक कंट्री हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 27वीं कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई सेंट्रल और स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस की, कहाँ पर? कोलकाता में। कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस
को सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया गया था 1971 में, और इसे देखो ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। 2019 की थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जब देखो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होती है तो CSO यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट की जो स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में चर्चा करती हैं, कोऑर्डिनेशन करती हैं किस प्रकार से देश में पॉलिसी मेकर्स को और वो लोग जो प्लानिंग करते हैं उनको बेहतर स्टेटिस्टिक्स उपलब्ध करवाए जा सकते हैं ताकि वो डिसीजंस को अच्छे से ले सकें। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पेरिस पीस फोरम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने पेरिस पीस फोरम की सेकंड एनुअल मीटिंग को अटेंड किया। ये मीटिंग हुई थी 11 से 13 नवंबर के बीच। हम बात करें पेरिस पीस फोरम की, ये देखो एक इंटरनेशनल इवेंट है जो हर साल ऑर्गेनाइज होती है पेरिस फ्रांस में, और इस इवेंट में फोकस किया जाता है ग्लोबल गवर्नेंस से संबंधित इश्यूज़ पर और मल्टीलेटरलिज्म पर। जब देखो दो से अधिक देश एक साथ आते हैं किसी इशू को लेके आपस में नेगोशिएट करने के लिए, कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, तो उस चीज़ को आप कहोगे मल्टीलेटरलिज्म। जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब एग्जाम्पल हैं मल्टीलेटरलिज्म के। तो मल्टीलेटरलिज्म और ग्लोबल गवर्नेंस इश्यूज़ पर फोकस किया जाता है इस पेरिस पीस फोरम की कॉन्फ्रेंस में या फिर मीटिंग में। तो इस फोरम की मीटिंग में विभिन्न देशों के हेड्स, नेशनल या फिर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सोसाइटी के लोग एकजुट होते हैं और काफ़ी डिटेल से चर्चा होती है कैसे ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सकता है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होने चाहिए ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए। जैसे देखो क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज है, टेररिज्म एक ग्लोबल चैलेंज है, कैसे विभिन्न देश मिलकर इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं, उन इश्यूज पर चर्चा होती है इस पेरिस पीस फोरम में। मेनली देखो गवर्नेंस संबंधित सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है 6 स्पेसिफिक थीम्स पर। कौन सी वो थीम्स हैं? पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, इंक्लूसिव इकोनॉमी, कल्चरल एंड एजुकेशन। इस फोरम को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2018 में। याद होगा इस आर्टिकल के शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि सेकंड एनुअल मीटिंग यानी पिछले साल ही इसे इस्टेब्लिश किया गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले तमिलनाडु में जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पर हैकर्स के द्वारा एक कंप्यूटर को हैक कर लिया गया था। तो NHPCIL ने यह क्लैरिफाई किया था कि जिस कंप्यूटर को हैक किया गया था हैकर्स के द्वारा वो उन कंप्यूटर्स में से एक नहीं था जिनकी सहायता से ऑपरेशंस चलते हैं इस कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में। वो तो एक भारी कंप्यूटर था जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन फिर भी देखो ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस इशू था। अब जाके इंडिया की अथॉरिटीज़ के द्वारा रशिया की अथॉरिटीज़ को सूचित किया गया है, हमने वो सभी आवश्यक स्टेप्स लिए हैं ताकि फ्यूचर में इस प्रकार से कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के किसी कंप्यूटर को हैक ना किया जा सके हैकर्स के द्वारा। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आया होगा कि रशिया को क्यों सूचित किया गया है? रशिया को देखो इसलिए सूचित किया गया है कि ये जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर है। यहां पर 1000 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की 2 यूनिट्स इस्टेब्लिश्ड हैं और वो रशियन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। रशिया से हमने टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया है, इक्विपमेंट्स को भी इंपोर्ट किया है। एटम स्टोरी एक्सपोर्ट, ये देखो रशियन स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन रोसाटोम की एक सब्सिडरी है और इसी सब्सिडरी ने हमें इस कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए इक्विपमेंट, फ्यूल, ये सब चीज़ें दी हैं। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में हम अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन जाने, ये देखो चेन्नई के साउथ में, चेन्नई से 650 किलोमीटर की दूरी पर है, तमिलनाडु के
तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है ये कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको डेवलप किया गया है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी देखो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का सिर्फ पहला फेज कंप्लीट हुआ है, दो यूनिट्स इस्टेब्लिश हुई हैं जैसा हमने डिस्कस किया, 1000 मेगावाट के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। अभी 4 यूनिट्स और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश की जाएंगी 2008 के इंडो और रशिया एग्रीमेंट के अनुसार। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट देखो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है जिसे इम्पोर्टेड प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया है। यहीं पर देखो NPCIL ने 10 मेगावाट का एक विंड पावर प्लांट पे इस्टेब्लिश किया है। थोड़ा सा हम NPCIL के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करती है और इस कॉरपोरेशन के द्वारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। लास्ट में एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाविनी। भाविनी देखो ये भी एक PSU है। इस भाविनी के द्वारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और NPCIL की हिस्सेदारी है भाविनी के अंदर। मैं फिर से बोलता हूँ, भाविनी देखो एक PSU है और इस PSU के अंदर हिस्सेदारी है NPCIL की। और भाविनी का काम क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम को हमारे देश में इम्प्लीमेंट करना। यह हमने आर्टिकल डिस्कस किया कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित। लास्ट में देखो एक और न्यूज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, अमेजोन से संबंधित ये न्यूज़ है, प्रोजेक्ट जीरो। देखो अमेजोन पे काफ़ी सारे सेलर्स नकली माल बेच देते हैं और इससे कस्टमर्स के मन में अमेजोन के प्रति अविश्वास प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की धांधलेबाजी को अमेजोन रोकना चाहता है और इसी को ध्यान में रखते हुए अमेजोन ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट जीरो, ताकि अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर नकली माल को जो बेचा जाता है इस प्रकार की गतिविधियों को रोका जा सके और सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें बिके अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर। अमेजोन ने कहा है हम एडिशनल स्टेप्स लेंगे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या नकली माल बिक रहा है प्लेटफॉर्म पर या फिर नहीं, और अगर बिक रहा है तो उसे आइडेंटिफाई करके हम रिमूव करेंगे और सेलर को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है नहीं। आज देखो वैसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कम ही थे, तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, हमने अमेजोन के प्रोजेक्ट जीरो के बारे में डिस्कस किया, पेरिस पीस फोरम के बारे में हमने जाना, बोलीविया के बारे में हमने जाना, 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने जाना, रहा एप्लीकेशन के बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।